इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ नगर निगम कल जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया। भाजपा के सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने अपर नगर आयुक्त को बंधक बना लिया और जबरन उन्हें ऑफिस ले गए। यहां खूब तनातनी हुई तो नगर आयुक्त के पक्ष में स्टाफ आ गया। हाथापाई हुई और कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने के कारण स्टाफ उन पर भारी पड़ गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नोनू पंडित के कपड़े फाड़ दिए गए और जमकर मारपीट की गई। यहां से पिटने के बाद कार्यकर्ता थाने पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। यहां भी नगर निगम स्टाफ भारी पड़ा। बात भाजपा के महानगर अध्यक्ष तक पहुंची लेकिन पुलिस ने दोनों ही तरफ से तहरीर लेकर रख ली। अब पहले जांच होगी फिर कोई कार्रवाई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को यह भी कहते सुना गया कि सत्ता पक्ष होने के बावजूद उन्हें पीटा गया। नगर निगम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा कई बार हो चुका है कि अफसरों के पक्ष में यूनियन आ खड़ी हुई और बाहरी लोगों को उन्होंने मारपीट कर भगा दिया। सभासदों तक को बख्शा नहीं गया। बीते दिवस भी इसकी पुनरावृत्ति हुई। दरअसल पिछले सप्ताह लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड में जिंदा गौवंश दबाने को लेकर भाजपाओं से जुड़े लोगों ने हंगामा किया था। वीडियो भी वायरल किया गया था। इस पर आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त कर नगर निगम ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। इस घटना को लेकर ही भाजपाओं कार्यकर्ता जैसे ही नगर निगम पहुंचे अपर नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह कार में बैठकर निकल गए। यह एक इत्तेफाक ही रहा होगा। आइए पहले सुनते हैं अपर नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह की जुबानी, उनकी कहानी। मैं कहीं गया नहीं था, बल्कि मैं अपने ऑफिस से 1:30 बजे अपने आवास के लिए निकल रहा था। मेरी जानकारी में नहीं है कौन लोग आए, ये मेरे ऑफिस की तरफ आ रहे होंगे। यहाँ मैं जब निकल गया तो ये ऑफिस आई, ऑफिस में बता दिया कि मैं निकल गया। इन लोगों ने जो भी आए थे उन्होंने PL शर्मा हॉस्पिटल के सामने मेरी गाड़ी जाके रुकवा ली। मैंने गाड़ी रोकी तो ये सामने से इन्होंने वाहन खड़े कर दिए, अर्दली के साथ वहीं खींचातानी करने लगे। मैंने कहा बात क्या है भाई, तुम अपनी बात बताओ। फिर हम आपसे मिलने आए थे, आप जा रहे हैं। हमने कहा भाई मेरा काम है, ऑफिस में बैठ के जाऊंगा, मुझे दूसरा काम भी करना है। कह नहीं आप हमारी बात सुनिए। हमने कहा अपनी बात बताओ। तो ये लोग जो है बात वहाँ ना करके कहके इनका कहना था कि आप ऑफिस चलिए तब हम बात करेंगे। वाहन के सामने इन्होंने अपने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, तो मैं स्थिति को देखते हुए वापस ऑफिस आ गया। ऑफिस में भी आ करके जो इनका बात करने का तरीका था वो बिल्कुल अभद्र था। ऑफिस स्टाफ भी मेरे चैम्बर में खड़ा हुआ था, उससे गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा अपनी बात बताइए, तो मैंने उनकी जो बात थी वो सुनी और उनको कहा कि नगराज साहब जब हॉस्पिटल से वापस आएंगे तभी ये सारी चीज़ें तय होंगी। वो उस पर दबाव बना रहे थे कि आप ही तय करिए, कार्रवाई आपको करनी है। मैंने कहा कि नहीं मेरे स्तर से कार्रवाई नहीं, इसमें क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक बात थी, एक गौशाला का जो बता रहे थे, लेकिन वो जो दिल्ली रोड पे अभी 8-10 दिन पहले मंडी के पास से हमारे कैटल कैचर ने 2 पशु उठाए थे, जिसमें एक मृत पशु था और एक जिंदा पशु था। ड्राइवर से गलती ये हुई कि वो जिंदा पशु को पहले हॉस्पिटल छोड़ता फिर मृत पशु को ले जाता, लेकिन वो दोनों पशु ले गया। एक पशु उसने उतार दिया, जिंदा ला रहा था तब तक ये लोग वहाँ पहुँच गए, तो इन्होंने वहीं बवाल किया इस बात को लेकर के कि जिंदा पशु दफनाया जा रहा है, जबकि ये बात सही नहीं थी। आज क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे? आज वो कह रहे थे कि जो कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने आपने कार्रवाई प्रस्तावित की है वो जो है आप ही उसमें निर्णय लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई। हमने बताया उनको कि एक कर्मचारी जो आउटसोर्स है उसे हटा दिया गया है और बाकी रेगुलर कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नगराज साहब के स्तर से होगी, तो उनके आने पर होगी। उनके काम नहीं आप ही करिए। क्या बदतमीजी की उन्होंने? या ऑफिस से बदतमीजी करने लगे मुझसे जो है जोर जोर से कि नहीं आप ही करिए इस तरीके की, कोई जो है आप क्यों नहीं करेंगे, एक हटा दिया तो उसको भी हटाइए। हमने कहा नहीं इसको नहीं, हमें नहीं हटाना है नगराज साहब को। जो भी हाथापाई मारपीट भी हुई? हमसे हाथापाई नहीं हुई लेकिन स्टाफ से यहीं ऑफिस में की, उसके बाद बाहर निकल के पहुंच गए तो वहाँ जो स्टाफ था शोर शराबा सुन के आ गया था, उनसे भी वहाँ हाथापाई की और गाड़ी का एक जो फ्रंट शीशा है वो भी लोगों ने जो है कुछ मारा होगा उस पर, तो वो भी टूट गया। आरोप है कि नगर निगम से लुटे पिटे निकल कर
विनोद जाहिदपुर, शंभू पहलवान, गगन सोम, अक्षय भड़ाना, नोनू पंडित आदि सामने ही स्थित दिल्ली गेट थाने पहुंचे, लेकिन यहां कर्मचारी नेता अनीस व उसके साथियों ने नोनू पंडित को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सूचना पाकर युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनय शर्मा व बलराज डूंगर भी थाने पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या बता रहा है नोनू पंडित। ये तेरे साथ दिखा, अपनी सरकार में कुट रहा है भाई। तभी तो दिखा दो सही कहाँ पिटा है। चोट लगी है, ये लाल कहाँ लगी हुई है, ये चीज है, मेरा पैर बिल्कुल सूज रहा है। कितने लोग थे पीछा? बहुत तेजी, पूरी भीड़ थी। चल तेरी जान। गाय के मामले में हम यहाँ आए थे। गाय एक हफ्ते पहले, गाय जिसमें सांस थी उस गाय को दाबा जा, दो मिनट हो गया। एक मिनट भाई, चल एक मिनट। उस गाय को दाबा जा रहा था, उसकी जानकारी लेने हम यहाँ आए थे। सहायक नगर आयुक्त हैं ब्रजपाल सिंह, उनसे जानकारी लेने हम यहाँ आए। उन्होंने जानकारी नहीं दी, उन्होंने सब चीज आयुक्त को कहा, भैया तुम सहायक हो, तुम क्यों नहीं दे रहे जो है सारी जानकारी। इतना कह के फोन मार दिया, ये तो लोग हैं, इन्होंने मुझे अकेले को भिटा। अगर हाँ मेरे में जान नहीं होती, इतना भिटा मौत हो जाती, मेरे ऐनक वैनक सब तोड़ दिए। किसने, कौन कौन थे जो नाम बता रहे थे अभी, किस किसने? भैया मैं ऐनक पहनता हूँ, मेरा जो है ऐनक उतर गया, मैं पहले जा रहा हूँ अपना ऐनक लेने, मुझे उनका मुंह ध्यान नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नोनू पंडित है, मैं भाजपा युवा मोर्चा से हूँ। तुम अकेले गए थे मिलने सहायक नगर आयुक्त से? बाकी अंदर है लोग। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने पुलिस कप्तान से बात की। फिलहाल दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।